हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 ऐसे किचन में इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स जो आपके कामों को कर देंगे बेहद ही आसान। और आप इन सभी गैजेट्स को amazon.in से काफी कम दाम में खरीद भी सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के आखिर तक और करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को रख लीजिए ऑल पर ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेमन स्प्रेयर। दोस्तों, नींबू और नींबू का रस हम सभी को बेहद ही पसंद है। वहीं विटामिन सी से भरपूर नींबू का नाम लेते ही हमारे मुंह में आ जाता है पानी। लेकिन असली मुश्किल तब आती है जब इस जूस को हमें निकालना होता है और करना होता है स्प्रे किसी भी फ्रूट चाट या डिश पर। वेल, तो मिलिए इस लेमन स्प्रेयर से, जिसकी मदद से ना सिर्फ आप निकाल सकते हैं नींबू का रस, बल्कि इसे आप कर सकते हैं स्प्रे की तरह भी इस्तेमाल। तो कोई भी फ्रूट सैलेड लें, उसे दो पीसेस में कट करें और फिर कुछ इस तरह नींबू को निचोड़ें। हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बना ये स्प्रेयर ना सिर्फ स्प्रे फॉर्म में करता है नींबू के रस को सर्व, बल्कि आप उस रस को अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं। वाटरमेलन स्लाइसर। कैसा हो अगर आपको कोई कहे कि तरबूज काटकर सर्व करने में आपको लग सकता है सिर्फ एक मिनट या उससे भी कम, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। चलिए फिर आपको दिखाते हैं वो टूल। ये एक ऐसा टूल है जो तरबूज को काटने में आपकी काफी मदद कर सकता है। कैसे, चलिए देखते हैं। दरअसल इसमें लगे हुए रोटेटिंग ब्लेड्स जो तरबूज को काटने में मदद करते हैं। तो जब आप इस टूल को तरबूज पर रख कर आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह के तरबूज के टुकड़े देखने को मिलेंगे। और ये टूल देखने में बहुत ही सिंपल सा नजर आता है और इसे बनाया हुआ है काफी मजबूत मटेरियल से, जिस पर ना तो जंग लगेगा ना तो उसका प्लास्टिक खराब होगा। तो अब स्लाइसेस बनाना हुआ आसान, क्योंकि ये रोटेटर आपके बड़े से वाटरमेलन को करेगा इक्वल स्लाइस में कट, है ना दोस्तों? गार्लिक जूम। मुझे लगता है कि फ्रूट्स और वेजीज को कट करने के लिए फिर भी गैजेट्स बनाए गए हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे कट या पील करना है बहुत बोरिंग, और वो है गार्लिक, है ना दोस्तों? वेल, तो ये प्रोडक्ट गार्लिक को चॉप करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। दरअसल इसे कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि ये आपके बिना हाथों को तकलीफ पहुंचाए कर सके गार्लिक को चॉप। चलिए ऐसे ना बताते हुए आपको सीधे इसे यूज करना ही बता देते हैं। आपको पहले कुछ छिले हुए गार्लिक को लेकर इसमें डाल देना है और फिर बस आपको एक खिलौने की तरह इसे आगे पीछे घुमाते रहना है, जिससे आपके गार्लिक के टुकड़े एकदम चॉप्ड हो जाएंगे। और याद रहे, जब भी आप इसे साफ करना चाहो तो बिना भूले उसके ब्लेड्स को बाहर जरूर निकाल लें, ताकि आपको कोई चोट ना लगे। नो क्राई ग्लव्स। किचन एक ऐसी जगह है जहां बच्चे हो या बड़े, बिगिनर्स हो या एक्सपर्ट्स, किसी को भी चोट लगने के चांसेस तो होते ही हैं। और बात तो तब सीरियस हो जाती है जब आप कोई सब्जी काट रहे हो। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे बीच आ चुके हैं नो क्राई ग्लव्स, जिनका सीधा सा मतलब है कट प्रूफ ग्लव्स, जो आपके हाथों को किसी भी तरह के डैमेज से बचा सकते हैं। दरअसल ये एक ऐसे ग्लव्स हैं जो बने हुए हैं कट रेजिस्टेंट मटेरियल से, जिससे होगा ये कि जब चाकू या कोई नुकीली चीज आपके हाथों पर लग जाए तो ये ग्लव्स उस डैमेज को आपके हाथों तक पहुंचने नहीं देती। और ये ना सिर्फ कट प्रूफ है, बल्कि इन ग्लव्स को ऑलराउंडर भी कहा जा सकता है। एप्पल पीलर। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि हर दिन सेब खाने से हमारा शरीर बहुत ही तंदुरुस्त रहता है। वैसे इसे कहावत तो नहीं कह सकते हैं, ये असलियत में भी काफी मददगार साबित होता है। खैर, तो जैसा कि हमारी आज की वीडियो बेस्ड है किचन गैजेट्स पर, तो ये भी एक ऐसा टूल है जो सेब को छीलता है। जी हाँ, सेब को छीलने वाला टूल, जो आपके कीमती टाइम को बचाकर आपको देता है छीला हुआ सेब। इस टूल का मैकेनिज्म बिल्कुल एक घूमने वाले पहिए की तरह काम करता है। मतलब आपको बस अपने सेब को साफ करके इस मशीन पर कुछ इस तरह से अटैच कर देना है, जिसके बाद जैसे जैसे आप अपने हाथ को घुमाएंगे वैसे वैसे आप अपने सेब को छीला हुआ पाएंगे। हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना पीलर बिल्कुल सही सलामत रहता है पानी लगने के बावजूद भी। मुझे तो लगता है कि इसे आपको अपने घर लाना ही होगा। एज ब्रश। कैसा हो अगर आपके पास हो एक ऐसा ब्रश जो करें आपके बर्तनों को सेकेंड्स में साफ। अब आप सोचने लगे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा ब्रश है जो हमारे काम को आसान कर सकता है, राइट?
तो फिर मिलिए एज ब्रश नाम के इस प्रोडक्ट से, जो साइज के मुकाबले कई गुना ज्यादा काम करता है। नॉन स्क्रैच ब्रश हेड वाले इस ब्रश से आप अपने बर्तन को कर सकते हैं दुगनी तेजी से साफ, क्योंकि इसमें आपको ब्रश को पकड़ने के लिए एक हैंडल दिया जाता है। वहीं इन ब्रशेस में मिलती है आपको कई सारी वैरायटीज। इसमें आपको दो तरह के ब्रशेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक करता है बड़े बर्तन और प्लेट्स को साफ सिंगल वॉश में, तो दूसरा ब्रश करता है साफ ग्लासेस और नैरो माउथ जैसे यूटेंसिल्स। साथ ही इन ब्रशेस को रखने के लिए आपको कोई अलग से बड़ी जगह की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये आसानी से बेसिन के कोने में रह सकते हैं। 3-in-1 वाटर सेविंग कोलेंडर। किचन में जहां सबसे ज्यादा पानी वेस्ट होता है, जब आप कर रहे होते हैं चावल को साफ, सही कहा ना, तो लीजिए अब आ गया है 3-in-1 वाटर सेविंग कंटेनर। दरअसल एक प्लास्टिक से बना हुआ कंटेनर होता है, जिसमें आप चावल या किसी भी सब्जी फलों को साफ कर सकते हैं। वैसे आपका कहना होगा कि साफ तो हम बिना कंटेनर के भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बिना एक तो चावल बेसिन में गिरने के चांसेस होते हैं और उन्हें धोते हुए पकड़ना भी बहुत मुश्किल सा होता है। इसीलिए बनाया गया है इस 3-in-1 कोलेंडर को, जो आपकी काफी मदद करेगा और करेगा पानी की बचत भी। वहीं इस कंटेनर बाउल में आप चाहें तो फ्रूट सैलेड या कुछ और कर सकते हैं सीधे सर्व अपने गेस्ट्स को डाइनिंग टेबल पर। बीम बटर स्प्रेयर। सिंपल और हैंडी ये स्प्रेयर उन लोगों के लिए बना हुआ है जिनका खाना बिना बटर के होता ही ना हो। अरे हाँ दोस्तों, मक्खन के बिना अगर आपका खाना होता है अधूरा, तो इसे करें पूरा इस कमाल के बटर स्प्रेयर के साथ। ये एक ऐसा स्प्रेयर है जिसमें आप बटर को फिल करके कर सकते हैं अपने पसंदीदा खानों पर स्प्रे। तो अब अपने सैंडविचेस, ब्रेड्स और बर्गर्स को बनाए और भी ज्यादा स्वादिष्ट इस बटर स्प्रेयर की मदद से। आया ना मुंह में पानी? बिल्कुल आएगा ही जब हाथ में आपके मक्खन होगा। स्लाइसेस्टर। अनार के दाने लगते हैं मस्त जब हो खाने के लिए तैयार, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अनार दाने जितने खाने में स्वादिष्ट होते हैं, उतना ही उन दानों को अनार से अलग करना मुश्किल होता है? ये तो आप जरूर जानते होंगे, लेकिन अब आपको अनार दाने निकालने के लिए कोई मशक्कत नहीं करनी होगी, क्योंकि अब आ चुका है स्लाइसेस्टर, जो कि एक अनार के दानों को निकालने वाला प्रोडक्ट है। इसके लिए इस टूल के स्पिनर और स्लाइसर पर आपको करना होगा अपने अनार को प्लेस, और सिंपली आपको अपने अनार को कुछ इस तरह से गोल घुमाना है, जिससे आपका अनार दो टुकड़ों में कट हो जाएगा। और उसके बाद आपको उस टूल को बाउल के ऊपर रखकर अनार को उस पर रखकर किसी मजबूत चीज से अनार की पिटाई करते रहना होगा, तब तक जब तक उसमें से अनार के दाने ना निकल आए। पॉपकॉर्न मेकर। घर पर हो अगर आपकी मूवी नाइट या देखनी हो कोई वेब सीरीज, तो आपके लिए पॉपकॉर्न की प्लेट तैयार होगी आपके टेबल पर। जी हाँ दोस्तों, पॉपकॉर्न मेकर आपका ऐसा दोस्त है जो आपके लिए करेगा पॉपकॉर्न तैयार एकदम फटाफट, बिना किसी मार्केट इंस्टेंट पॉपकॉर्न पैकेट के इस्तेमाल के। यानी कि आप इस मशीन में कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ घर के सिंपल बिना मसाले वाले कॉर्न्स को तैयार। इस मशीन में आपको मिलता है एक मेजरिंग कप, एक ट्रांसपेरेंट लिड और पॉपकॉर्न मेकर। आपको करना है बस इतना काम, बस मेजरिंग कप की मदद से डालें इसमें कॉर्न्स और लिड लगाकर कर दें पावर को स्विच ऑन। लिड की ओपन साइड पर आपको रखना होगा एक कंटेनर जस्ट उसके नीचे, जिससे कि फ्रेश हॉट कॉर्न्स बनने के बाद इस कंटेनर में सीधे आ गिरें। बस फिर पावर स्विच कर दें ऑफ, करें इस इंस्टेंट पॉपकॉर्न को सॉल्ट और मसाले के साथ सर्व और एंजॉय करें घर बैठे अपनी मूवी नाइट को। खैर तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके साइड में आने वाले बेल आइकन को रख लीजिए ऑल पर, ताकि जैसे ही चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।